ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संपदास रहे प्रसन्न। बाबा पिपरदास सतगुरु सर्वदास, सतगुरु हरिदास गुरु जोए, सो हमारी रखिया करे बिघन न लागे कोए। तन तन सतगुरु गरीब दास, बंदो नित शुभ श्याम, चरण कमल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। तन तन साहिब जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, तन तन सतगुरु स्वामी सरबन दास जी महाराज जी के पावन चरणा कमलों में विराजमान गुरु सात संगत जी, सचखंड वासी श्रीमान कृपा राम जी, बीबी करमी जी, उन्होंने परिवार के ग्रह विखे अज आप सारे ही अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के सत्संग नाल जुड़ रहे हाँ। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज अमृत बाणी विच समुची मानवता में कल्याणकारी उपदेश बख्शिश करते हैं। संतन के द्वारे परो होवे परम आनंद, कह रविदास भगवान के काबू मन में छंद। जदों जीव सनमोह जीवन विच संता महापुरशां दी शरण ग्रहण कर लैंदा है, उन्हां दे दस्से हुए मार्ग ते चलदा है, उस जीव नूं परम आनंद दी प्राप्ति हुंदी है। और वो जीव आप जुड़ जांदा अपने बच्चों नूं भी जोड़ लैंदा है। सारा ही परिवार जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी दे चरणा कमलों नाल, सतगुरु स्वामी सरबन दास जी महाराज जी दे चरणा कमलों नाल जुड़िया होया परिवार है। और देव श्रीमान कृपा राम जी जिन्हां दी बचपन तो ही यह मन में अभिलाषा सी कि मैं उन्होंने गुरु धारण करना, जिहड़े जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी दे मिशन ते चलेंगे। और एक बार सुपने विच सतगुरु स्वामी सरबन दास जी महाराज जी दर्शन कीते और रहिंदे जा रहे सत स्वामी सरबन दास जी महाराज जी प्रत्यक्ष दर्शन कीते। और ऐसे जुड़े कि बहुत लंबा समा उन्होंने सतगुरु स्वामी सरबन दास जी महाराज जी के चरणों में गुजारिया और सारा परिवार जुड़िया होया है। आप सारे ये अनमोल जीवन प्राप्त होया। और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने विश्व में उपदेश बख्शिश किए हैं। मानुखा अवतार दुर्लभ, अवतारा वर्गा अनमोल जीवन प्राप्त होया जो 84 लाख जीवनों में सब तो श्रेष्ठ है। और श्री कृपा राम बीबी करमी जी और बीबी करमी माता जी, माता भानी जी सारे ही दया सखन बल्ला विखे रेंदे सन, सेवावां करदे सन। और एक बार श्रीमान कृपा राम जी और उन्होंने बहुत ही जी साथी श्रीमान गुरदास राम जी सचखंड वासी मन में विचार करते कि आप जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज का इतिहास पढ़ते हाँ, सतगुरु स्वामी सरबन दास जी महाराज जी का इतिहास पढ़ते हाँ कि वह शरीर लैके सचखंड चले गए, ये किवें हो सकता। दोपहर का समा से बाहर विचारा करते महाराज स्वामी सरबन दास जी महाराज सामने बैठ गए और कि महाराज जी अपने थड़े ते विराजमान सन, चार दिन सन कंबली लैके पै गए और कंबली बिल्कुल नाल लग गई। दोनों बजुर्ग आए दुआले महाराज लभन लग पे और मन च विचारा कर लगे कि जे महाराज जी सच्ची लोक हो गए तो संगतां ने सानू बुरा भला कहना। फिर आए दुआले घूम के उत्थे बैठ गए तो कुछ क मिनटा बाद महाराज सरबन दास जी
प्रगट हुए कंबड़ी तां चक्की और नाग नहीं लाती कह लगे जगत गुरदास महाराज जी सतगुरु कबीर साहब इस प्रकार सचखंड चले गए। तो उन्होंने बजुर्गों महाराज ने कहा कि तुहाडा बहुत प्यार है मंगो कुछ हाथ जुड़ के क्या महाराज कुछ चाहिए कह लगे भे अखा मीटो तो बजुर्ग दस देंगे सन कि महाराज सरबन दास दर्शन कराते कहते तुम इतने लिया के जाना। तो यह सारा परिवार जुड़िया होया है अज विश्व भर में जो भारत की सब तो वड्डी कौम है रविदासिया कौम और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज के पैरोकार विश्व भर में बसते हैं जिन्हों रविदासिया धर्म पहचान मिली है अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के नाल संगतां अपने समाजिक अते धार्मिक रीति रिवाज करके आजादी का आनंद अनुभव कर रहे हैं। इस गल का इतिहास गवाह है जिहड़े लोग अपने रहबराना गुरुआं नाल संतां महापुरशां नाल समाज धारकां नाल जुड़ के रहिंदे हन उन्हां नूं हमेशा ही सन्मान मिलता है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने विश्व नूं बहुत वड्डी विरासत दित्ती है जो अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के रूप में विश्व विख्यात है। उस महान विरासत और इतिहास नाल सतगुरु स्वामी सरबन दास जी महाराज जी ने जोड़िया फिर डेरे 2564 में डेरा रविदासियां का लिखिया और उच्चारण किया एक दिन कौम का ग्रंथ और पंथ बनेगा और अपनी दिव्य दृष्टि राही जगत गुरु रविदास महाराज जी स्थान की खोज की और जिस वेले उसारी लई संत महाराज हरिदास जी की अगवाई में संत गरीबदास जी महाराज नाल गए गुरु कृपा राम बीबी करमी नाल गए और बड़े खुशी संगत प्राप्त हुई। अज उस महान तीर्थ स्थान श्री गुरुदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर विखे संगत विश्व पद्धर चो जांदियां हन इकट्ठियां होंदियां हन और अपने रहवर दे मिथना जुड़दियां हन। तो गुरु प्यारे साहिब ने सानू हमेशा ही अपने बच्चों क्योंकि बच्चे और माड़ी साडे इतिहास है साडी विरासत है उन्होंने अपने रहवरां गुरुआं संतां महापुरशां समाज धारकां नाल जोड़ना चाहिए है। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज विश्व नूं पावन उपदेश बख्शिश करते हैं गुण बंतिया सौ गुण बसे जो तू ध्यान लगाए रविदास कहे संसार में बहु न जन्मे ताए गुरबाना की संगत में जाके जीव गुणवान बनता है और सब तो बड़ा है आत्म सम्मान। और जगत गुरु रविदास महाराज जी ने श्रीलंका तो सऊदी अरब तक विश्व के कोने कोने में जाके मानव मानव प्रेम स्त्री पुर समान विश्व भाईचारा संतान की संगत हरदास सिमरन विश्व में बेगमपुरे वतन बनाने के पावन उपदेश बख्शिश किए हैं जिन्हों की अज कल्याणकारी समाजवादी परमार्थी क्रांतिकारी विचारधारा पूरे विश्व में अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के रूप में विख्यात है। तो गुरु प्यारी साहिब श्रीमान देवराज बख्शो जी सोडी जी बैठे सारा ही परिवार जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज सतगुरु स्वामी सरबन दास जी महाराज के चरणों कमलों में जुड़िया हुआ परिवार है। तो मैं सारिया संतान का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बधाइया सारे जय गुरुदेव जो बोले सुंदर पै जगत गुरुदास सुंदर पै सतगुरु स्वामी सरबन दास महाराज की जय।